हेलो। हाँ इकबाल अंसारी जी, मैं दिनेश मिश्रा बात कर रहा हूँ ईटीवी फैजाबाद से। जी, हाँ बताओ। जी जी नमस्कार। आपको जो नमस्कार। सुरक्षा की मांग कर रहे थे, वो सुरक्षा आपको मिल गई है क्या? देखिए, हमने जो है अयोध्या में बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के लिए अपनी मांग की थी। हाँ, सरकार ये आप देख ही रहे हैं कि जब भीड़ बढ़ती है तो पब्लिक भी कंट्रोल से बाहर होती है। दो बार इससे पहले 90-92 में हम लोगों का नुकसान हो चुका था। हाँ। और पूरे अयोध्या वालों का नुकसान हुआ है। हाँ। माननीय योगी जी की सरकार है, ठीक है, बिल्कुल हम उसकी तारीफ भी करते हैं और कानूनी व्यवस्था बिल्कुल टाइट है, तो इसको देखते हुए सुरक्षा हमारी बढ़ाई गई। अच्छा, सुरक्षा आपकी बढ़ गई। कितने सिपाही मिले हैं? हमारे थाने में 4 सिपाही मिले हैं घर के लिए। अच्छा, एक इंस्पेक्टर मिले हैं दरोगा? हाँ, एक इंस्पेक्टर है, तीन। अच्छा, तीन सिपाही हैं। अच्छा अच्छा, तो आपका अयोध्या में अभी आप हैं या बाहर कहीं हैं? इस वक्त हम गोंडा में शादी में आए हैं। अच्छा अच्छा, कब तक आगमन होगा आपका? करीब करीब 5 बज जाएगा। ठीक। इकबाल अंसारी अयोध्या छोड़ के जा चुके हैं और आज जब कल शाम वो अयोध्या चले गए हैं तो प्रशासन ने आज उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है। और इकबाल जी कह रहे हैं कि अब हमारी सुरक्षा बढ़ाई गई है, लेकिन मुझे इस भीड़ से खतरा नजर आ रहा है, तो क्या आप कहना चाहें कि भीड़ से वाकई में खतरा है? देखिए, वैसे भीड़ से कोई खतरा तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर उनको ऐसा फील हो रहा था और उन्होंने प्रशासन के अनुसार में किया था तो सरकार की जिम्मेवारी मानते थे कि पहले से उनकी सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। अब सरकार जो है अगर कहीं से लापरवाही कर रही है तो स्वाभाविक है, कोई व्यक्ति अगर उसको जान का खतरा लग रहा है तो अपनी जान बचाने के लिए कहीं कहीं पलायन तो करेगा ही। तो इससे निश्चित रूप से सरकार की लापरवाही और जो निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को पहले से कदम उठाना चाहिए था और मेरा आग्रह भी है सरकार से कि अगर कोई घटना घटती है तो फिर उसमें ऐसा सरकार न सोचे कि वो मुस्लिम पक्षकार हैं तो हम लोग खुश हो जाएंगे। अगर कोई इस तरह से घटना घटेगी तो विरोध करेंगे, अब पूरी तरह से सरकार का विरोध करेंगे। और इसीलिए मैं सरकार को पहले से आगाह कर रहा हूँ कि हमारे ऐसा नहीं कि हिंदू है या मुसलमान है, जो भी है वो शांति की ढंग से अपनी बात को रख रहे हैं, उनको किसी भी तरह से उनका जो है अपमान नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह से उनके ऊपर अगर ऐसा प्रतीत हो रहा है खतरे का तो सरकार को बहुत पहले इनकी सुरक्षा बढ़ा देनी चाहिए थी। अब सरकार अगर देरी से ऐसा कदम उठा रही है तो उस व्यक्ति का यहाँ से भाग जाना ये सरकार के जो है निश्चित रूप से गैर जिम्मेदाराना रवैया है और ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं